कल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा में अमित शाह कल बीजेपी की बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जांजगीर चांपा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लौह इरादों वाले, स्टील इंटेंशन वाले, लौह इरादों वाले अमित शाह जी का आगमन छत्तीसगढ़ के राह पर हो रहा है और जांजगीर चांपा जिले के लिए भी प्रभारी मंत्री के रूप में हम सब के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत सौभाग्य का विषय है कि कल जांजगीर के हाई स्कूल प्रांगण में आदरणीय अमित शाह जी जनता जनार्दन को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा आयोजन होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से संखना अमित शाह जी जांजगीर चांपा की तरफ से करेंगे। और जांजगीर चांपा में रैली से पहले अमित शाह बस्तर के कोंडागांव जाएंगे। अमित शाह यहां पर बस्तर क्लस्टर के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि अमित शाह के साथ बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, बस्तर क्लस्टर के प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि बस्तर क्लस्टर की 3 लोकसभा सीटें जो कि बस्तर, कांकेर और महासमुंद की सीटों पर शाह मंथन करेंगे। तारीख को कोंडागांव जिले में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। यह कोंडागांव जिले वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। ये लोकसभा चुनाव आने वाले समय में है, उसकी तैयारी को लेकर के बस्तर क्लस्टर की बैठक हो रही है। इस क्लस्टर में बस्तर लोकसभा, कांकेर लोकसभा और महासमुंद लोकसभा की बैठक इसमें होनी है। अपेक्षित श्रेणी में जो लोग आएंगे उस बैठक में शामिल होंगे।